नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। हरियाणा आज पर इस समय की सबसे बड़ी चुनावी अपडेट जो हरियाणा विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई है वो है कि कांग्रेस और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी वो लगभग तय हो चुका है और इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी शामिल हुई है। अभी जिस तरह से सूचनाएं मिली हैं उसके अनुसार हरियाणा में कांग्रेस अब 82 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी 90 सीटों पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। 8 जो सीटें हैं वो अपने सहयोगी दलों के लिए कांग्रेस ने छोड़ दी हैं। इसमें कौन कौन सहयोगी किस भूमिका में रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। 5 जो सीटें हैं विधानसभा की वो आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी गई हैं, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी है और 1 सीट पर एनसीपी का प्रत्याशी हरियाणा में चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में एक और जहां समाजवादी पार्टी की हरियाणा में एंट्री हुई है, अब समाजवादी पार्टी हरियाणा में भी राजनीति करती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी कांग्रेस ने जिनको दी है वो आम आदमी पार्टी, उनकी बात कर लेते हैं कि हरियाणा में वो कौन कौन सी सीट हो सकती हैं जहाँ अब झाड़ू के निशान पर चुनाव प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। इनमें सबसे पहली जो सीट है वो कलायत सीट है, जहां से आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं अनुराग डांडा वो उम्मीदवार हो सकते हैं, यानी कि कलायत की सीट जो है आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। दूसरी सीट है पिहोवा की सीट, कुरुक्षेत्र जिले की पिहोवा सीट पर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया है और लगभग सहमति बन चुकी है कि पिहोवा सीट पर भी आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी होगा। इसके अलावा बात करें गुलाचीका पर भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होगा। यहाँ भी जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस के साथ, ये तालमेल में वो सीट आम आदमी पार्टी के खाते में दी गई है। इसके अलावा एक सीट है नरवाना की, जो रिजर्व सीट है वो भी आम आदमी पार्टी को दी गई है और एक सीट है जींद की, जींद शहर की सीट भी आम आदमी पार्टी को दी गई है। तो ऐसे में ये 5 सीटें हैं जहां पर इस गठबंधन के अनुसार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को जिस तरह से ये सूचनाएं मिली हैं कि 2 सीटें कांग्रेस ने दी हैं और ये दोनों सीटें अहिरवाल बेल्ट और मेवात जिले से जुड़ी हुई हो सकती हैं। इनमें से कौन सी सीट होगी और कौन से प्रत्याशी होंगे वो भी आपको हम आपको जल्द बताएंगे। तो समाजवादी पार्टी भी हरियाणा में 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इनमें सबसे बड़ा जो उलटफेर हुआ है वो एनसीपी की एंट्री जिस तरह से इस गठबंधन में हुई है वो बेहद चौंकाने वाला है कि एनसीपी को भी हरियाणा में कांग्रेस 1 सीट देने जा रही है और ये 1 सीट कौन सी होगी। अभी तक की जो सूचनाएं हैं वो करनाल जिले की एक कोई सीट हो सकती है जिसको अब एनसीपी अपना उम्मीदवार उस सीट पर उतारेगी। इनमें से अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो एनसीपी की तरफ से जो मांग की गई है उनमें से इंद्री, घरोंडा और असंध, इन विधानसभाओं में से कोई एक विधानसभा होगी जिस पर एनसीपी का उम्मीदवार उतारा जाएगा। हालांकि प्रबल संभावनाएं जो बन रही हैं उसके अनुसार ये प्रत्याशी असंध या घरोंडा विधानसभा में से हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से एनसीपी इस तालमेल में, इस गठबंधन में शामिल हुई है उसके बाद करनाल जिले की 1 सीट उसके खाते में आई है। तो 2 विधानसभा करनाल जिले की घरोंडा और असंध, इनमें जो है एनसीपी का उम्मीदवार उतारा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने ये समीकरण बनाया था कि जो इंडी गठबंधन में जो पार्टी हैं उनके साथ तालमेल जारी रहे, बना रहे और बीजेपी को घेरने का कोई भी प्रयास कम ना हो, इसी वजह से ये गठबंधन कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है और बेहद जल्द इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी होगी और जो प्रत्याशी हैं जो जिन जिन पार्टियों से संबंधित होंगे उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं अपने कमेंट अवश्य करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।